गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 26 है। पिछली क्लास में हमने विद्युत रासायनिक सेल पर चर्चा की थी, जिसके टॉपिक के बीच में एक सब हेडिंग आई थी हमारे पास लवण से, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज किस प्रकार से कार्य करता है, साल्ट ब्रिज किस प्रकार से बनता है, इसका क्या कार्य होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साल्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे कि साल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु होता है, एक यू आकार की कांच की नली होती है। देखो, आपको कोशिश करते रहना है कि साथ में जो आपको बताया जाए वो तुरंत याद हो जाए, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें ऐसा आपको तुरंत याद हो जाए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान से यदि कंसंट्रेट करोगे, आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान अपना केंद्रित करोगे, तो 100% आपको जो बताया जा रहा है वो अभी याद हो जाएगा। तो लवण सेतु पर चर्चा कर रहे थे अपन। तो लवण सेतु, जिसे साल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु क्या होता है, एक यू आकार की कांच की नली होती है। जैसे हमने दो पात्र लिए थे और दो पात्रों के बीच में आपने देखा होगा कि इस प्रकार का एक यू आकार की क्या लगाई थी, नली लगी। ये यू आकार, उल्टे यू आकार होने को तो सीधे होती है, लेकिन जो पात्र में लगाई जाती है किस रूप में लगाई जाती है, उल्टे यू आकार के रूप में। ये उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर, एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा, दोनों सिरों पर कांच की रुई लगी हुई होती है। तथा इस यू आकार की नली में प्रबल वैद्युत अपघट का एगार जेल पेस्ट भरा हुआ होता है। प्रबल वैद्युत अपघट का ध्यान रखना, किसका, प्रबल वैद्युत अपघट का एगार सेल पेस्ट भरा हुआ होता है। इस लवण सेतु का कार्य क्या होता है कि पहला कार्य तो इसका यह है कि परिपथ को पूर्ण करता है। पहला कार्य क्या है इसका, कि यह परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। दूसरा कार्य है कि यह लवण सेतु होता है जो दोनों वैद्युत अपघट के अंदर आयनिक साम्य स्थापित करने का कार्य करता है। अर्थात आयनिक साम्य, इसमें आयनों की संख्या कम हो जाए, इसमें आयनों की संख्या कम हो जाए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयनों का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, लवण सेतु के द्वारा होता है। तो दो महत्वपूर्ण कार्य है इसके लवण सेतु के, एक तो परिपथ को पूर्ण करने का और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है आयनिक साम्य स्थापित करने का। तो लवण सेतु के बारे में हम लिखेंगे, देखोगे यह है एक यू आकार की कांच की नली होती है, यू आकार की कांच की नली होती है। यह एक यू आकार की कांच की नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर कांच की रुई लगी हुई होती है। तथा इस यू आकार की नली में प्रबल वैद्युत अपघट, जैसे यू आकार की नली में प्रबल वैद्युत अपघट जैसे KCl Na2SO4 आदि
एक आर जेल पेस्ट भरा हुआ होता है। लवण सेतु की यह विशेषता होती है कि इससे मैंने बताया था लवण सेतु से केवल किसका प्रभाव होता है, आयनों का होती है कि इससे केवल आयनों का परिवहन इससे केवल आयनों का परिवहन होता है। लवण सेतु के मुख्य कार्य निम्न हैं। लवण सेतु के मुख्य कार्य निम्न हैं। तो लवण सेतु के दो मुख्य कार्य आपको बताए थे। पहला मुख्य कार्य है कि लवण सेतु परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। मुख्य कार्य है कि लवण सेतु परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। और दूसरा कार्य है कि लवण सेतु आयनिक साम्य स्थापित करने का कार्य भी करता है। इसे नोट करो पहले। लवण सेतु के कार्य में साल्ट का पहला कार्य यह परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरा मुख्य कार्य है यह दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों में आयनिक साम्य, आयनिक कुल विलय, आयनिक साम्य स्थापित करने का कार्य करता है। यह हमारे साल्ट ब्रिज के कार्य थे। इसके बाद हमारे जब हमने लवण सेतु को यूज कब किया था, जब दोनों पात्रों में अलग अलग वैद्युत अपघट्य विलयन हो, मतलब दोनों पात्र अलग अलग हो और दोनों पात्रों में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य विलयन हो। लेकिन एक सरंध्र दीवार जब यूज लेते हैं, जब एक ही पात्र में दो वैद्युत अपघट्य विलयन ली जाती, तो इसी में दो लाइन सरंध्र दीवार के बारे में पात्र में भरे हुए हो तो दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों को पृथक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सरंध्र दीवार का। तो इसमें अंदर भी सरंध्र दीवार का उपयोग एक ही पात्र में उपस्थित वैद्युत अपघट्य विलयनों को पृथक करने में
किया जाता है। फिर बताया था सरेंद्र दीवार एक मिट्टी की बनी हुई दीवार होती है, तो दूसरी लाइन से लिखेंगे यह मिट्टी की बनी हुई दीवार होती है। और रंध्र, रंध्र का मतलब बताया था छिद्र, तो इस दीवार में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों से केवल किसका प्रवाह होता है, आयनों का। आगे लिख देंगे दीवार होती है जिसमें अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनसे केवल आयनों का प्रवाह होता है। अब आयनों का प्रवाह होगा तो सरंध्र दीवार भी वैद्युत अपघट्य विलयनों में आयनिक साम स्थापित करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये भी लिख देंगे अतः सरंध्र दीवार दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों में आयनिक साम्य स्थापित करने का कार्य करती है। आयनिक साम स्थापित करने का कार्य करती है। ये हमारे सरंध्र दीवार के बारे में हो गया, इसे नोट करो। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका या इसे मैं लिख सकता हूँ संकेत चिन्ह परिवर्तन, संकेत या चिन्ह परिवर्तन। देखो गैल्वेनिक सेल, मेनियल सेल, वोल्टेज सेल, जो भी बोलते हैं, इनको प्रदर्शित करने का क्या तरीका होता है। तो
इन शहरों में विद्युत सक्रिय पदार्थों के ऑक्सीकृत एवं अपचयित पदार्थों के साथ साथ ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ हम देखते ही, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड से संबंधित जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी सापेक्ष स्थितियों को प्रदर्शित करने का जो तरीका संक्षिप्त रूप जो यूज लिया जाता है उसे संकेत परिपाटी या चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और इसके कुछ नियम हैं, तो इन नियमों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक लाइन होगी, लिखोगे सेल में विद्युत सक्रिय पदार्थ या विद्युत सक्रिय ऑक्सीकृत व अपचयित, ऐसे विद्युत सक्रिय ऑक्सीकृत व अपचयित पदार्थों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन से संबंधित अन्य पदार्थ के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करने का संक्षिप्त रूप संकेत परिपाटी या चिन्ह परिपाटी कहलाता है, या चिन्ह परिपाटी कहलाता है। संकेत परिपाटी कहने का मतलब जो भी रासायनिक सेल अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोडों पर उनके आधार पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सी अवस्था में पदार्थ प्राप्त हो रहा है, लवण सेतु से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, उन सबको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, संकेत परिपाटी या चिन्ह परिपाटी कहलाता है। और जिसके मुख्य नियम निम्न है, अब इसके नियमों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके नियम बताएंगे। अब गैल्वेनिक सेल के संकेत चिन्ह परिपाटी की क्या क्या नियम है, तो सबसे पहले नियमों पर चर्चा करेंगे और नियमों को समझोगे और नियमों को समझने के बाद हम नोट करेंगे नियमों। देखो सबसे पहला नियम क्या है कि पहला नियम है कि जब भी किसी गैल्वेनिक सेल की अभिक्रियाओं को या गैल्वेनिक सेल को दर्शाया जाएगा तो पहला नियम ये है कि इलेक्ट्रोडों को तो दोनों सिरों पर लिखा जाएगा और जो विद्युत अपकर्ष पदार्थ है या विलयन है उसे उन दोनों इलेक्ट्रोड जो सिरों पे लगाए थे उन दोनों सिरों के मध्य में लिखा जाएगा। मतलब है कि जब भी हम किसी गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों को तो कहाँ लिखेंगे, दोनों सिरों पर, मतलब एक प्रारंभिक सिरा और एक अंतिम सिरा। अब कौन से सिरे पर कौन सा इलेक्ट्रोड लिखना है वो भी हम अगले नियम में देखेंगे, अभी तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रोडों को दोनों सिरों पर प्रदर्शित किया जाता है, वह वैद्युत अपगत पदार्थ को या उसके विलयन को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, मध्य में प्रदर्शित किया जाता है। पहला नियम लिखोगे नियम नंबर
सेल को प्रदर्शित करते समय, सेल को प्रदर्शित करते समय इलेक्ट्रॉनों को दोनों सिरों पर लिखा जाता है, वह मध्य में वैद्युत अपगत्य, वैद्युत अपगत्य पदार्थ या विलयन, विलयन को प्रदर्शित करते। पहला नियम है कि दोनों सिरों पर तो इलेक्ट्रोड को लिखेंगे, और जो आयन है वैद्युत अपगत्य के विलयन है उन्हें कहाँ दर्शाएंगे, मध्य में दर्शाएंगे। नियम नंबर सेकंड है कि जो वैद्युत अपगत्य का विलयन है, वैद्युत अपगत्य के विलयन व इलेक्ट्रोड दोनों को पृथक करने के लिए या वियोजित करने के लिए एक खड़ी लाइन का उपयोग करते हैं। वैद्युत अपगत्य और विलयन के इलेक्ट्रोड को पृथक करने के लिए तो किसका यूज करते हैं, एक खड़ी लाइन का करते हैं। और यदि वैद्युत अपगत्य विलयन लवण सेतु के द्वारा पृथक है, किसके द्वारा पृथक है, लवण सेतु के द्वारा, तो दो खड़ी लाइनों का उपयोग करते हैं। तो दूसरा नियम लिखोगे इलेक्ट्रोड व अपगत्य वैद्युत अपगत्य इलेक्ट्रॉन व वैद्युत अपगत्य इलेक्ट्रॉन व वैद्युत अपगत्य के सीधे संपर्क को प्रदर्शित करने के लिए एक खड़ी लाइन का उपयोग करते हैं। जैसे समझोगे, जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड लिया था और ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, मैंने मान लिया कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन कौन सा है, ZnSO4 है। तो ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीकरण से कौन से आयन में परिवर्तित हो रहा था, Zn+2 में। तो यहाँ Zn इलेक्ट्रोड है जो Zn+ आयन से सीधा संपर्क में है, तो दोनों के संबंध को दर्शाने के लिए किससे यूज करेंगे, खड़ी लाइन से। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल जिंक इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ कि Zn है वो सीधा संपर्क की तरह किससे, Zn+2 से। तो यहाँ खड़ी लाइन ये प्रदर्शित करती है कि ये दोनों एक दूसरे से सीधे संपर्क में है। जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिया था कॉपर वाला, तो कॉपर वाले में क्या हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए Cu है जो प्रदर्शित हो जाएगा Cu+2 से। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन में लिखूं किस प्रकार से लिख सकता हूं, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो Cu+2 से। तो ये खड़ी लाइन ये बताती है कि ये दोनों सीधे संपर्क में है। तो दो नियम हो गए, इसके बाद तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। देखो नियम याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको नियम याद नहीं है आप किसी भी गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित नहीं कर सकते। गैल्वेनिक के डैमेज सेल को प्रदर्शित करने के लिए इनके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं तीसरा नियम लिखता हूँ। तीसरा नियम क्या होता है, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, लॉन LOAN, इसमें बताया था कि एनोड एक और क्या होता है, एनोड
तो ध्यान रखना जब भी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोडों का प्रदर्शन किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों के प्रदर्शन के लिए जो एनोड होता है एनोड को तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, वह कैथोड को हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। तो ये भी हमारे संकेत चिन्ह परिपाटी के गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने के नियम है। तो मैं तीसरा नियम ये लिख सकता हूँ, इस सेल को प्रदर्शित करते समय कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद में अपन ने एनोड को बाईं ओर लिख दिया, कैथोड को दाईं ओर लिख दिया, आपको बता दिया लवण सेतु साल्ट ब्रिज हो तो दो खड़ी लाइन और सीधे संपर्क में आयन और इलेक्ट्रोड होते हैं, खड़ी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ इनमें इनकी सांद्रताओं को इनकी फेज अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटे कोष्टक का यूज किया जाता है। तो हम अगले पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं कि वैद्युत अवगत पदार्थ या अवनी तथा के विद्युत आयन की सांद्रता या अवस्था जो भी उपयोगी है उसको यूज करने के लिए सांद्रता या अवस्था को एक छोटे कोष्टक में लिखा जाता है, एक छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। तो हमने बताया एक खड़ी लाइन का उपयोग तो कब करते हैं, जब सीधे संपर्क में दो पदार्थ हो जैसे इलेक्ट्रोड और धातु है। दो खड़ी लाइन का उपयोग कब करते हैं, जब दोनों लवण सेतु साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हों और हमेशा एनोड को बाई सिरे पर और कैथोड को कहाँ लिखा जाता है, दाई सिरे पर। और इसका तरीका भी आपको बताया था, एक साइड में आप उतार लो लॉन्ग एल ओ ए लॉन्ग, इसमें एल फॉर है लेफ्ट हैंड साइड, ओ फॉर है ऑक्सीडेशन, ये हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, ए फॉर है एनोड और एन फॉर है नेगेटिव। इसका मतलब है विद्युत रासायनिक सेलों में हमेशा एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और एनोड को हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। मैंने दो लवण सेतु वाला पॉइंट लिखा है सर, तो पांचवें पॉइंट के अंदर लिख लो, यदि वैद्युत अवगत विलयन लवण सेतु के द्वारा संयोजित हो तो इसे प्रदर्शित करने के लिए दो खड़ी लाइन का
का उपयोग करते हैं, दो खड़ी लाइनों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से डैनियल सेल को प्रदर्शित करने की या गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने की या बोल सकते हैं वोल्टीय सेल को प्रदर्शित करने के संकेत चिन्ह या परिपाटी की जो नियम थे ये मुख्यतः पांच नियम हैं। और यदि हमें पांचों नियम याद है पता है तो हम किसी भी गैल्वेनिक सेल के सेल आयन को क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं गैल्वेनिक सेल का। तो जैसे हमने गैल्वेनिक सेल इस प्रकार से बनाया था, डायग्राम से समझेंगे गैल्वेनिक सेल को, और यहाँ हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए थे और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार की सहायता से हमने क्या कर दिया था, जोड़ दिया और ये बल दिया। ये हमारा था जिंक इलेक्ट्रोड और इसके अंदर भर रखा था हमने जेड एन एस ओ को। ये हमारा था कॉपर इलेक्ट्रोड और इसके अंदर भरा हुआ था सी यू एस ओ, और दोनों को किसके द्वारा गैल्वेनिक सेल का हमने डायग्राम बनाया था। अब इसी सेल को मैं सेल सूत्र के रूप में प्रदर्शित करूं तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमें सबसे पहला नियम तो पता है कि इलेक्ट्रॉनों को तो कहां लिखा जाता है सिरों पर, और पदार्थों को कहां लिखा जाता है मध्य में लिखा जाता है। और इलेक्ट्रॉनों में भी सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनों में भी सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है कि एनोड, डायनोड, दाईं ओर तो कैथोड और बाईं ओर क्या लिखा जाता है एनोड। तो ये आपको पता था, ये तो हमारा क्या था जिंक वाला एनोड और कॉपर वाला हमारा क्या था कैथोड। ये था जब अपने कॉपी में नोटबुक में ये लिखवाया था। तो एनोड को तो कहाँ लिखा जाता है बाईं ओर, और कैथोड को लिखा जाता है कहाँ दाईं ओर। तो ये तो हमारा एनोड है तो ये तो बाईं ओर हो गया, और कैथोड को मैंने कहाँ लिख दिया दाईं ओर, ठीक है। इसके बाद में ZnSO4 का जब आयन हुआ था तो ये टूटा था किसमें, Zn प्लस 2 में, और CuSO4 का जब आयन हुआ था तो ये टूटा था किसमें Cu प्लस 2 में। तो Zn सीधा किससे संपर्कित है Zn प्लस 2 से, और सीधे संपर्कित के लिए हम किसका यूज करते हैं एक खड़ी लाइन का Zn प्लस 2 से। इसी प्रकार से कॉपर है, कॉपर है जो किससे सीधे संपर्कित है Cu प्लस 2 से, ठीक है। तो ये कॉपर इलेक्ट्रॉन Cu प्लस 2 से सीधा संपर्कित है, और सीधे संपर्कित के लिए खड़ी लाइन का यूज करते हैं, और Zn जो Zn प्लस 2 से सीधा संपर्कित है इसके लिए भी हमने खड़ी लाइन का यूज किया। अब इसके बाद में दोनों में को तब करते हुए किसके द्वारा संयोजित है, लवण सेतु के द्वारा, और लवण सेतु के द्वारा संयोजित हो तो उसको प्रदर्शित करने के लिए दो खड़ी लाइनों का क्या करता है उपयोग करते हैं। इसका मतलब जो ये एनोड और ये कैथोड के जो दोनों वैद्युत अपगति विलयन है वो लवण सेतु के द्वारा, तो ये तो किसको प्रदर्शित कर रहा है लवण सेतु को कर रहा है। ये एनोड हो गया, ये आपका क्या हो गया कैथोड हो गया। तो हम लिख सकते हैं ये गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल आर्य, किसका आर्य है ये गैल्वेनिक सेल आर्य या सूत्र गैल्वेनिक सेल सूत्र, ये नॉट फॉर। केवल सेल आरेख बनाना है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में इनकी फेज को भी प्रदर्शित करना, अवस्था को, तो मैंने बताया था कि छोटे कोष्ठक का यूज करते हैं, जैसे जिंक कौन सी अवस्था में था सॉलिड, Zn प्लस 2 कौन सी में था एक्वस, कॉपर प्लस 2 कौन सी में था एक्वस, और Cu कौन सी में था सॉलिड में। तो इस प्रकार से इनकी अवस्था को प्रदर्शित करना हो तो छोटे कोष्ठक क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो।
अब इसके बाद ये रासायनिक सेल सेल आरेखों को क्या होगा प्रदर्शित करने का तरीका, नया टॉपिक लिखेंगे हमारा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? उत्पन्न विद्युत विभवांतर को, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड और धातु आयन के विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को ही किसके नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी धातु और धातु का मतलब यहाँ किसका यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड व आयन के विलयन के मध्य, आयन के विलयन के मध्य उत्पन्न उत्पन्न विद्युत विभवांतर को, उत्पन्न विद्युत विभवांतर को, विभवांतर को इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ही अर्धशैल विभव के नाम से भी जाना जाता है, इसे अर्धशैल विभव, अर्धशैल विभव के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो प्रत्येक जो सेल होते हैं उसमें दो विभव होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक कौन सा होता है, अपचयन विभव। तो ऑक्सीकरण विभव तो कौन सा होगा, उस इलेक्ट्रॉन का विभव जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसका विभव तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव। और जिस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उसका क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन के विभव को क्या कहेंगे, अपचयन विभव। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि प्रत्येक सेल में दो अर्धशैल विभव होते हैं, दो अर्धशैल विभव होते हैं। पहला है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव तो लिखेंगे वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर
त्याग कर धनायन बनाता है, धनायन बनाता है, धनायन बनाता है उस इलेक्ट्रॉन का विभव, उस इलेक्ट्रॉन का विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि जिंक दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर किसमें बदल गया था, Zn प्लस 2 में, तो ये इसका कौन सा विभव होगा, AnO, या मैं लिख दूं ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। इसी के साथ साथ ऑक्सीकरण विभव के आधार पर हम किसको भी लिख सकते हैं, अपचयन विभव को, और अपचयन विभव में इसका जस्ट क्या लिखोगे आप, उल्टा लिख लेना। अपचयन विभव में क्या लिखोगे पहले समझ लो, आप इनको लिखना है, मैं नोट भी कराऊंगा। अपचयन विभव के अंदर क्या लिखोगे, वह इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की बजाय क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और धनायन की जगह क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा या उदासीन हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो कि आप सीधा लिखना कि वह इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करने का कार्य करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का विभव कौन सा विभव कहलाता है, अपचयन विभव कहलाता है। और इसी के उदाहरण में बता देता हूँ, उदाहरण के अंदर कि कॉपर प्लस 2 था, वो दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और किसमें बदल गया था, Cu में, तो इसका जो विभव होगा वो विभव कौन सा विभव कहलाएगा, अपचयन विभव। यहाँ तक परिभाषा आपको लिखनी है, एग्जाम्पल ये नोट करना है, आपको बता दिया जो, और आज की क्लास में हम इतनी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।